ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस ब्यूटी। वेलकम टू द ताजमहल। ताजमहल विजिट करने के लिए फर्स्ट बुक योर टिकट ऑनलाइन। द वेबसाइट लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। The entry fee for Taj Mahal is 50 rupees per person and 200 rupees additional if you want to visit the main mausoleum inside. The Taj Mahal is open from sunrise to sunset every day except on Fridays. Friday ko Taj Mahal visitors ke liye close hota hai, so plan your travel accordingly. Drones, earphones, tripods, food articles, smoking items, ये सब कैरी करना अलाउड नहीं है। बैग सिक्योरिटी पे स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, सो डोंट कैरी दिस थिंग्स। बेसिकली ताजमहल आने के लिए 3 एंट्रीज है, द वेस्ट गेट, द ईस्ट गेट एंड द साउथ गेट। आप वेस्ट गेट और ईस्ट गेट दोनों से जा सकते हैं और साउथ गेट सिर्फ एग्जिट के लिए ही है। ये है हमारा मेन गेट जिसे सैंडस्टोन से बनाया गया है, इसे दरवाजा भी कहते हैं और यही से हमें अंदर जाना है। इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं जो कि ये ग्रेट गेट से शुरू होती है और सीधा ताजमहल तक जाती है। ताजमहल ये इंडिया का मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट है। यहाँ हर साल 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, सो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। इसीलिए ताज अर्ली मॉर्निंग विजिट करें, बिकॉज इट्स लेस क्राउडेड एंड व्यू इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ। हम जितना ही ताजमहल के नज़दीक आते हैं, ताज उतना ही दूर होता जाएगा और जितना दूर जाएंगे उतना ही ताज नज़दीक होता जाएगा। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, है ना इंटरेस्टिंग? वाओ, लुक एट दिस ब्यूटी। आई जस्ट गॉट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द ताज एंड यू शुड सी इट टू। वेल, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पर्शियन, इंडियन, ऑटोमन एंड टर्किश आर्ट एलिमेंट्स को कंबाइन किया था एंड दैट इज व्हाई इट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पैलेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये तो सभी जानते हैं कि ताजमहल को मुगल एम्पोरियर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के मेमोरी में बनाया था। इसे बनाने के लिए कुछ 22 साल लग गए थे और इसका कंस्ट्रक्शन 1653 में कंप्लीट हुआ था। इस बेंच को लेडी डायना बेंच कहते हैं क्योंकि प्रिंसेस डायना 1992 में अपने विजिट के दौरान यहाँ पे बैठी थी। सो टेक टाइम टू सिट ऑन द बेंच एंड क्लिक योर फोटोज। यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे एंड दे नो द बेस्ट एंगल, सो इफ यू विश यू कैन हायर देम। क्या आपको पता है ताज की चारों मीनारे बाहर की तरफ झुकी हुई है? अगर किसी अर्थक्वेक की वजह से ये गिरती भी है तो ताज को कुछ भी नहीं होगा। ताजमहल के लेफ्ट हैंड साइड है मॉस्क एंड राइट हैंड साइड है मेहमान खाना। This is the place to go if you want a picture of Taj Mahal from a beautifully arched frame. Trust me, यहाँ से pictures बहुत अच्छे आते हैं। Well, Taj Mahal visit करने के लिए कोई official dress code तो नहीं है, but Taj Mahal complex में एक mosque ज़रूर है। So it is advisable to wear clothes that cover your knees and shoulders. Now let's go to the main mausoleum. मेन मोजोलियम विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको ये शू कवर पहनना पड़ेगा जो कि आपको ताजमहल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिल जाएगा एंड दिस कॉस्ट ₹10 फॉर अ पैर। दिस इज द एंट्रेंस टू द मेन मोजोलियम एरिया। एज यू एंटर यू विल नोटिस हाउ ब्यूटिफुल इट इज। The wall of the monument are covered with beautiful calligraphy and pietra dura. Pietra dura is a method of inlaying marble with the precious stones like amber, coral, jade and lapis lazuli. Photography and videography is not allowed inside.
There is no lighting inside the main mausoleum. The only source of light inside is the sunlight. अंदर मुमताज महल और शाहजहां की ये कब्रें हैं और ये डमी है, असली कब्र इसके नीचे है। कहते हैं ताजमहल चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे एंड द लाइट। मॉर्निंग में ये हल्के पिंक कलर का दिखता है और इवनिंग में मिल्की वाइट। एंड द ताजमहल इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। यस इट इज। क्या आपको पता है ताजमहल का फाउंडेशन साल वुड से बना है, which is not supposed to be long lasting. The wood should weaken over time, but that did not happen because the wood is kept strong and moist by the Yamuna river. So that was my day at this majestic white beauty. Until next time, it's me Rupal and I will see you in next video. And remember to subscribe the channel if you haven't. Bye.